हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सबसे बड़ी न्यूज जिसकी आप सब बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन CUET एग्जाम दिस ईयर, वो सब वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आज आपको इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बताने वाले हैं। पहला तो आपका रिजल्ट कब आएगा, और आज मींस आएगा तो आज ही, और कितने बजे आएगा ये बताऊंगी मैं आपको। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा इमीडिएटली आपको क्या करना है, मींस अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो ये होगी कि सबसे इम्पोर्टेंट एक गुड न्यूज है, एक ग्रेट गिफ्ट है फ्रॉम द साइड ऑफ UGC फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स विच आर कमिंग योर वे, एंड लेट अस बिगिन नाउ। तो सबसे पहले, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज ही आपका, मीन्स आज 15 सितंबर है, और आज UGC ने ही डिक्लेयर कर दिया है कि आज ही आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा। अब कितने बजे आएगा वो मैं आपको बीच में कहीं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट आते ही आपने क्या करना है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आते ही हमें रिजल्ट को चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको दो तरीके बता रही हूं मैं, उनमें से आप कोई भी एक तरीका यूज करके अपना रिजल्ट इमीडिएटली जान सकते हैं। अब वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका तो है, अगर आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी गलती आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू, कि वो क्या करेंगे कि वो अगर DU या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए CUET कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो वो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ना जाकर आपको NTA की वेबसाइट पर, NTA.smarth.com वाली वो जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको क्लिक करना है। वहां पर जाकर आपको उसको, मींस उसमें आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, NTA की वेबसाइट को ओपन करना है, और फिर वहां पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, मींस जिस एप्लीकेशन नंबर से आपने अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा आपसे, वो आपको रेडी रखना है, और उसके अलावा आपकी DOB, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो आपने ये दो चीजें हैंडी रखनी है, मींस बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म में फिल की थी वही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है, मींस कहीं पर कुछ लिख देते हैं बट एक्चुअल कुछ और होती है, तो आप कहीं मिस्टेक ना करें, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आपने ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि दो चीजें आपको वहां पर फिल करनी होगी, तब आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वे ऑफ चेकिंग योर रिजल्ट इज कि आप अगर DigiLocker के थ्रू अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर रेडी रखना होगा, मींस आपको उसमें आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है दोबारा से उसका नंबर जो भी है वो मांगा जाएगा, और आधार कार्ड नंबर। तो ये दो चीजें आपसे मांगी जाएंगी। तो आई विल सजेस्ट कि आप इन दोनों, मींस जो दोनों तरीके हैं उन दोनों, इन चार चीजों को आप अपने पास पहले से ही नोट करके रख लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपको कोई भी मिस्टेक होती है, और ऐसा आप सोच रहे होंगे कि हम दो दो बार क्यों चेक करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट, मीन्स मोस्टली सारे स्टूडेंट्स एकदम से चेक करने लग जाते हैं, तो उनकी जो साइट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, कई बार तो क्रैश भी हो जाती हैं, तो नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर एक तरीके से रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहा तो आप दूसरे तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आएगा कब रिजल्ट, तो आज रात को 10 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले रिजल्ट चेक करना है अपना, और अब मैं आपको बताती हूं कि UGC ने क्या डिक्लेयर किया है। बहुत बड़ी जो ग्रेट न्यूज है वो ये है कि आपके CUET के लिए कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होगा। यस, तो पहले क्या हो रहा था कि पहले DU की तरफ से और UGC की तरफ से ये आ रहा था कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे या आपको इतने लाने होंगे। इवन मैंने अपनी कल वाली वीडियो जो मैंने स्पोर्ट्स और ECA कोटा के लिए बनाई थी, मैंने भी यही बोला था कि अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे CUET को तो ही आगे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आज जो न्यूज आई है UGC की तरफ से ही आई है, वो
कि एक तो रिजल्ट आपका आज रात को 10 बजे तक आएगा, उसके साथ ही उन्होंने ये चीज भी ऐड की है कि इस बार कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होगा, मीन सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे, आपके सिर्फ स्कोर्स बताए जाएंगे, जितने भी स्कोर्स हैं उसी बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं। अगर उस कॉलेज में आपकी जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है, मीन्स जिस भी कॉलेज में आप सब जगह अप्लाई करेंगे, आप अपने प्रेफरेंसेस फिल करेंगे और उन प्रेफरेंसेस के बेसिस पर और आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर और आपके सीयूईटी स्कोर्स के बेसिस पर पूरा चेक किया जाएगा कि अगर उस कॉलेज में आप एलिजिबल हैं, उस कॉलेज में आपके लिए सीट है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो बट इसमें एक अच्छी चीज ये हम देख सकते हैं कि लाइक अगर आपका कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है तो एंड में जाकर यही होगा कि कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल ही जाएगा, भले ही लाइक नॉर्थ कैंपस नहीं तो साउथ कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस या कहीं भी जो भी कॉलेजेस होते थे जिनमें पहले कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता था, मींस पासिंग तो सब होते ही थे ऑब्वियसली, तो इसी तरह से अब इस साल भी होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस न्यू प्रोसेस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट फॉर दैट वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।